Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जेल में क्या आम आदमी आम नहीं खा सकता? बहस आज इस पर ही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उन्हें सप्ताह में 3 दिन अपने डॉक्टरों से सलाह लेने की इजाजत मिले, क्योंकि वो डायबिटिक 2 के मरीज हैं। लेकिन ईडी ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल एक तरफ इंसुलिन की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी जेल में दबाकर वो आलू पूरी खा रहे हैं या फिर केले खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, यानी उच्च शर्करा वाली चीजें खा रहे हैं। केजरीवाल का मकसद ये है कि वो किसी भी तरह से मेडिकल ग्राउंड पर अपनी जमानत पर बाहर आना चाहते हैं। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलने की क्या शर्तें हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील फुजैल खान साहब से। फुजैल खान साहब, आप ये बताएं कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की शर्तें क्या होती हैं? मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की सबसे पहली शर्त यह है कि वो बीमारी ऐसी हो जिसका जेल के बाहर उसका इलाज हो, जिसका इलाज होगा, क्योंकि जेल के अंदर खुद हॉस्पिटल्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, और कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने कई बड़े लोगों के लिए भी, कई बड़े उद्योगपतियों के लिए भी, कई पॉलिटिशियंस के लिए भी ये बोला है कि ये इलाज जेल के अंदर है, इसके लिए आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको बाहर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दी है जहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि जिसपे जेल जेल के डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देते हैं कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको बाहर इलाज करने की अनुमति दे दी जाए, या तो ऑपरेशन या कुछ ऐसे ऑपरेशन सर्जरी, या किसी के किडनी डैमेज है या हार्ट का जो है वो पुराना इशू है, तो उन सर्कमस्टांसेस पे जो है कोर्ट अलाउ करता है, जिसमें लालू जी को भी एक बार मेडिकल कंडीशन पे ही बेल मिली थी अगर आपको याद हो तो। लेकिन अब क्योंकि जेल के अंदर ही इतनी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि इसका इलाज जेल के अंदर हो सकता है। और अगर कोई शुगर का मरीज हो, दबाकर मीठा खाए और कई बार चाय पिए, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके शुगर लेवल हाई हो जाए तो खतरनाक स्तर तक, तो क्या उसको बेल मिल सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जेल के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है खाने का भी, और उसको मैनेज भी करते हैं वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के जो कर्मचारी हैं, तो ऐसे किसी को अनुमति नहीं मिलती कि वो कुछ भी बहुत ज़्यादा खा सके, क्योंकि जेल के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी जेल अथॉरिटीज की होती है, जिसके ऊपर कई बार उनके ऊपर जो है बहुत सख्ती से माननीय न्यायालय आए हैं। यानी कुल मिलाकर अब बात यहां जाती है कि कोर्ट इसमें एक संकेत भी दे चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल के डाइट और उनके सेहत पर निगरानी के लिए एक पैनल बना सकता है विशेषज्ञों का, जिसमें ये कहा गया था, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि क्यों ना एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बना लिया जाए। तो कोर्ट ने संकेत तो ऐसे दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 22 अप्रैल को जब इस मामले में फैसला सुनाया जाए, ऑर्डर सुनाया जाए, तो उस समय किसी मेडिकल पैनल की भी बात सामने आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संजय शर्मा, दिल्ली।